बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत का 8वीं बार सुनवाई होना है। 7 बार सुनवाई हो चुकी है, क्या 8वीं बार में फैसला आ जाएगा? आखिर यह बिहार का पंचायत चुनाव में क्या पेच है और क्या है नया अपडेट? क्या सोचते हैं अधिकारी, किस तरीके से काम हो रहा है इस चुनाव को समय पर करवाने के लिए? इस पर बात करते हैं। क्या संभावनाएं बन रही है? क्या ईवीएम के अलावा कोई और विकल्प तलाशा जा जाएगा? इन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। नया अपडेट आया है, बिल्कुल ताजा अपडेट आया है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। बिल्कुल ताजा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले अपना परिचय दे दे। मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और एक छोटा सा लाइक का गुजारिश करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, पौने 2 महीना से यह पंचायत चुनाव है बिहार का, अदालती चक्कर में फंस गया है। जो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन फैसला नहीं हो पाता है। उसी तरह पंचायत चुनाव के लिए भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अगर आप गिनती कीजिएगा तो 7 बार तारीख दिया जा चुका है, 8वां तारीख मिला है, 8वीं तारीख फिर मिली है। अगर हम इस चुनाव के जो 7 बार टल चुका है, 7 बार फैसले नहीं आ पाए, टल चुका, सुनवाई नहीं हो पाई, इसके अगर जड़ में हम जाएं तो 19 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आखिर अदालत तक जाने का नौबत क्यों आया? नौबत इसलिए आया कि मल्टीपोस्ट ईवीएम से राज्य सरकार चुनाव कराना चाह रही थी। नियम के अनुसार ईवीएम सप्लाई करने वाली कंपनी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी चाहिए, अनापत्तिक प्रमाण पत्र चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अनापत्तिक प्रमाण पत्र नहीं दिया। इधर राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली चुनाव के, लेकिन बिना ईवीएम के चुनाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वह दिन था 19 फरवरी जब वहां याचिका दायर की गई। 23 फरवरी को सुनवाई हुई, पहली सुनवाई। पहली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार और केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कि आप आपसी सहमति से फैसला कर लीजिए। दोनों में आपसी सहमति बनाने की कोशिश नहीं हुई। 10 मार्च को फिर सुनवाई होता है। सुनवाई के लिए तिथि दिया गया था, सुनवाई नहीं हुई। 12 मार्च को फिर अगली तिथि मिली, सुनवाई नहीं हुई। 15 मार्च को सुनवाई हुई, उम्मीदें जगी थी 15 मार्च को, उम्मीद थी कि कुछ फैसला आएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त हिदायत दिया कि अगर आप आपसी बातचीत से फैसला नहीं लेते हैं तो आप दोनों पे बहुत सख्त आदेश दिया जाएगा, समाधान निकालने के लिए सख्त हिदायत दी थी। लेकिन वही घाट ढाक के 3 पात, दोनों आयोग अपने अपने रास्ते चलने के लिए मजबूर है, चलने पे उतारू है दोनों। कौन सी नाक की लड़ाई है दोनों के बीच में, जो सहमति नहीं बना पाए, दोनों अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। 2 बार बातचीत की गई लेकिन समाधान नहीं निकला। एक बातचीत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप जो मल्टी पोस्ट ईवीएम के चक्कर में हैं, राज्य सरकार से कहा उसको छोड़ दीजिए, हमारा जो सिंगल पोस्ट ईवीएम है उससे चुनाव करवा लीजिए। इस पर बिहार ने इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, हम मल्टी पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव करवाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने
केंद्र के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इस पहल को खारिज कर दिया। उसके बाद 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 6 अप्रैल 3 दिनों की तिथि मिली थी कोर्ट में सुनवाई की, लेकिन तीनों दिन सुनवाई नहीं हो पाई। भाई क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? अगर कोर्ट के सूत्रों की माने तो जो याचिका की फाइल है, जो ईवीएम की सुनवाई के लिए चुनाव पंचायती बिहार के पंचायत चुनाव की फाइल है, जिसका नंबर बहुत नीचे है, बेंच बैठता है इसका नंबर आते आते कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है। और जब हाल है इस लोकतांत्रिक देश में, जहां एक तरफ मंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र में 1 घंटे की देरी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वहां कोर्ट में लोकतंत्र की फाइल सबसे नीचे है, जब लोकतंत्र इस तरह से कराह रहा है तो उम्मीदें किससे रहेगी? खैर, जो अगली तारीख मिली है 12 अप्रैल को, उसका इंतजार किया जा रहा है। 12 अप्रैल को जैसा लोग जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि 12 अप्रैल को भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइल तो नीचे है। जब फाइल ही नीचे है तो लोकतंत्र ऊपर कैसे आएगा? दोस्तों, जिस तरह से यह विवाद चल रहा है और जैसी ढुलमुल रवैया अपनाई जा रही है, हम नहीं समझते हैं कि चुनाव यहां पर समय पर होगा। समय पर चुनाव होने की बात ही नहीं है। अब जैसा कि जानते हैं, 15 जून को इस पंचायत चुनाव, जो पंचायत जो प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और इसके बदले में जब कार्यकाल समाप्त हो तो कैसे चलेगी व्यवस्था, उसका कोई पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उसका समाधान निकालने पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कैसे हो, चुनाव समय पर कैसे हो, यह प्रयास नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें पिछले चुनाव के, 2016 के चुनाव के, तो 25 फरवरी को लागू हो गया था आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया था, और पहला चरण 24 अप्रैल को समाप्त हो गया था, पहला चरण का चुनाव शुरू हो गई थी 24 अप्रैल को, और इस बार तो 9 चरणों में चुनाव होना है। अगर अभी से भी प्रयास किया जाए, 12 तारीख को फैसला आ भी जाए, तो 1 महीना तो लग जाएगा ईवीएम तैयार करने में, ईवीएम की आपूर्ति में। तो इस तरह से 9 चरण में अगर चुनाव करवाया जाए तो जुलाई से लेकर अगस्त तक का महीना चला जाएगा। अगस्त महीना तक हो सकता है कि यह चुनाव शुरू हो जाए, शुरू होने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी इतने दिन तक पंचायतों का कार्यभार एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई भी जब किसी का बजट का शुरुआत होता है, मार्च समाप्त हुआ है, उसी समय पैसे सभी जगह जाते हैं विकास कार्य के लिए, और जब कोई अस्थाई मालिक नहीं होता है, कुछ पलों के लिए कोई मालिक बनता है, तो किस तरह से खर्च करता है, उससे कितना मोह माया होता है। और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनको वोट नहीं मांगना है, तो कितनी ईमानदारी से काम कर पाएंगे, यह मेरे समझ से परे है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, यह थी ताजा अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर, कि 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।